सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले ग्वार गम और ग्वार सीड से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में ग्वार गम का मार्च वायदा 10,777 पर ट्रेड कर रहा है, वहीं ग्वार गम का अप्रैल वायदा 10,800 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। 1% की गिरावट ग्वार गम के अप्रैल वायदा में देखने को मिल रही है। वहीं से बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का अप्रैल वायदा 5,998 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। 6,050 का हाई लगा चुका है, 0.5% से ज़्यादा की करेक्शन है। देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में भी ग्वार सीड और ग्वार गम की जो कीमतें हैं उनमें एक नरमी के साथ, एक करेक्शन के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। हमने ग्वार गम और ग्वार सीड को अच्छी खासे लेवल्स पर भी ट्रेड होते हुए देखा था, लेकिन फिर वहां से एक ऊपरी स्तर से करेक्शन बनी, मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसकी वजह से ग्वार गम ग्वार सीड में गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, युद्ध का आरंभ हुआ है, तब से देख रहे हैं कि ग्वार गम ग्वार सीड की जो प्राइसेज हैं एकदम से टूटे थे, बावजूद इसके कि फंडामेंटल्स ग्वार गम ग्वार सीड दोनों के ही मजबूत हैं। अब रशिया के अटैक करने से ग्वार गम ग्वार सीड की कीमतें क्यों टूटी हैं इसका भी बता देते हैं। आपको बता दें कि रशिया में कच्चे तेल की जो ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो गम का यूज़ किया जाता है, ग्वार गम का, अब यहाँ तो युद्ध चल रहा है तो ऐसे में कच्चे तेल का उत्पादन इतना देखने को नहीं मिल रहा है, इतना इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ग्वार गम का, जिसकी वजह से भारत की जो ग्वार गम की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो थोड़ी हिट हुई है, और उसकी वजह से ही हमने ग्वार गम ग्वार सीड की कीमतों में एक नरमी आते हुए देखी है। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया, उनका ऐसा अनुमान है कि अगर अमेरिका 15 से 20 मार्च के आसपास अगर एक स्टिमुलस पैकेज की घोषणा कर देता है और उस स्टिमुलस पैकेज में ऑयल और गैस इंडस्ट्री पर खर्च करने के लिए पैसा अलॉट करता है, तो ऐसे में हो सकता है कि ग्वार गम और ग्वार सीड के जो प्राइसेस हैं उनमें थोड़ी तेजी देखने को मिले, क्योंकि जो अमेरिका है और उसके यूरोपीय और उसके जो बाकी सहयोगी देश हैं अमेरिका के साथ जो इस समय खड़े हुए हैं नाटो देश, उन्होंने रूस से कच्चा तेल ना खरीदने का अभी फैसला कर लिया है, क्योंकि वो जितने भी देश हैं अमेरिका के साथ नाटो में वो सब यही चाहते हैं कि इस समय रशिया पर कैसे ना कैसे करके रशिया को आर्थिक चोट पहुंचाई जाए, जिसकी वजह से रशिया की जो इकोनॉमी है, रशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी टूटे और रशिया यूक्रेन पर जो हमला कर रहा है उसमें थोड़ी कमी आए या फिर वो युद्ध ख़त्म हो जाए। तो इसलिए बाकी देश ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका यहाँ पर बीच में कूदता भी नज़र आ सकता है ग्वार गम की मार्केट को कैप्चर करने के लिए, कच्चे तेल की मार्केट को कैप्चर करने के लिए। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा स्टिमुलस पैकेज में ऑयल एंड गैस के ऊपर पैसा खर्च करने की, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि कच्चे तेल की जो मार्केट है, क्योंकि अभी कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो अमेरिका ऐसे में पूरी कोशिश करेगा कि बढ़ी हुई कीमतों पर कच्चे तेल की मार्केट को कैप्चर किया जाए, जब्त किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो कच्चे तेल की मार्केट में अमेरिका की पकड़ हो जाएगी, वो भी ऐसे समय में जब कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिल रही हैं। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो रन होती है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो इन्फ्लेशन रेट है पूरे ग्लोबली वो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और हमने देखा है कि जब जब अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ता है तब तब वहाँ के ऑयल वेल्स में जो ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं क्रूड की, उसमें गम का जो इस्तेमाल होता है ग्वार गम का, उसकी वजह से भारतीय ग्वार गम ग्वार सीड की कीमतों में उछाल देखने को मिलता है। तो ऐसे में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि अगर अमेरिका में स्टिमुलस पैकेज को लेकर घोषणा होती है तो कच्चे तेल की जो कीमतें कच्चे तेल के साथ साथ ग्वार गम ग्वार सीड की जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन कंडीशन है स्टिमुलस पैकेज होना चाहिए और उसमें भी ऑयल और गैस डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करने की बात कही जानी चाहिए, और सरकार अगर ऐसा करती है अमेरिकी सरकार तो ही ग्वार गम ग्वार सीड की जो प्राइसेस है उनमें थोड़ा एक उछाल देखने को मिल सकता है। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना,
बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।